हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 के ऊपर बना रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि सर, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कराने के बाद फिर अगर फॉर्म हम बनाते हैं तो फॉर्म बनाने के बाद क्या हम उसमें कॉम्बो बॉक्स लगा सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे लगेगा? ये सवाल इनका यही है और इनका नाम है मैं इनका नाम देखता हूँ क्या नाम है इनका, कमेंट में देव दिलीप करके कुछ नाम है, देव कोटा दिलीप करके है ये। तो इन्होंने पूछा है, तो शायद कोटा से बिलोंग करते हैं, आई डोंट नो। तो ये इन्होंने पूछा है, तो चलिए आइए इस पर डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक्सेस को ओपन करता हूँ और यहाँ पर 2021 को यूज कर रहा हूँ, ज़्यादा बेटर है। क्वेरी अलग से लगाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, आई होप। तो यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस ले लेते हैं। तो मैं ऐसी एक दो टेबल बनाऊंगा, ठीक है। इन्होंने इसमें एग्जांपल में कुछ और कहा है, इन्होंने लिखा है कि टेबल में नेम, पैन नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, जीमेल, ये सब बनाया इन्होंने। मैं दो टेबल्स के बीच में ही रिलेशनशिप क्रिएट करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक स्टूडेंट की टेबल बना लेता हूँ, ये देखिए ये स्टूडेंट का टेबल हो गया। और यहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर कर देता हूँ, यहाँ ये स्टूडेंट का ही टेबल है जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड सारी डिटेल आएंगी। तो यहाँ पे कर दिया हमने रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। और रजिस्ट्रेशन नंबर को ऑटो नंबर रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को बल्कि ऑटो नंबर से हटा करके शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये दो फील्ड हमने यहाँ पे डाली है। और तीसरी फील्ड है जैसे सपोज कीजिए क्लास की, तो यहाँ क्लास भी कर दिया है। और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, तो ड्रॉप डाउन लुकअप विजर्ड से जाके बन जाएगा। I will type the value that I want, इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लासेस का नाम भर हमें टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ करता हूँ 12th, ठीक है, दूसरे क्लास का करता हूँ 10th, तीसरे क्लास का करता हूँ BCA पार्ट 1 हो गया, ठीक है। कैपिटल में लिखना है BCA पार्ट 1 हो गया। डेटा हमने कुछ बना लिया है, आप देख लीजिए ये हमारा डेटा है। यहाँ से नेक्स्ट करिएगा, यहाँ से जाके नेक्स्ट, यहाँ से फिनिश कर दीजिएगा। तो ये हमारा एक टेबल बन गया। इस टेबल का क्या नाम है? स्टूडेंट टी। आपने जो भी बनाया हो, जैसे कि आपने लिखा है कस्टमर की टेबल एक बनाई है, फिर दूसरी टेबल को जो और बनाई है, तो जो भी आपका हो, तो जो भी आपको रिलेशनशिप क्रिएट करा, तो पहले रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे। पहले तो एक टेबल बन गई, अब इसमें कुछ डेटा हम फिट कर देते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें हमने प्राइमरी की किसको बनाया, ये आपको ध्यान पे शायद नहीं है, तो एक बार फिर से देखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बना दिया है, ठीक है ना। तो प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। प्राइमरी की हमेशा यूनिक रहेगी, यानी उसमें रिपीटेटिव वैल्यूज टाइप नहीं होंगी, और जो फॉरेन की है उसमें रिपीट कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ U111, ये पहला रजिस्ट्रेशन नंबर है। और यहाँ स्टूडेंट का नाम है SURAJ सूरज तिवारी लिख देता हूँ, ठीक है, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्लास, अब देखिए एक क्लास के लिए ड्रॉप डाउन आएगी, तो यहाँ से जो भी ड्रॉप डाउन है वो चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे U112 हो गया, फिर यहाँ पर लिख देता हूं उपेंद्र सिंह, ये दूसरा नाम लिख दिया मैंने। और यहाँ पर क्लास के लिए ड्रॉप डाउन आएगी, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन चूज कर लीजिएगा जो भी आपका ड्रॉप डाउन में हो, ठीक है। U113 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ 3 रहेगा, 113 U113, ये हो गया। और यहां पर अगला नाम सुमन चौहान कर देते हैं, ये इस तरीके से। और फिर यहां पर क्या करेंगे, यहां से जो भी क्लास हो वो क्लास चूज कर लीजिएगा। फिर यहां पे आते हैं, फिर यहां पे U114 कर देते हैं, और फिर यहां पर अगला नाम लिख देंगे लाइक महेश पाल, तो ये लिख दिया हमने। इस तरीके से कुछ आपको करना है, एकदम आसान है और हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गया, मान लीजिए ये छोटा सा टेबल हमने बना लिया है और डेटा भी फिट कर दिया है इसमें। और अब क्या करना है, एक नई टेबल बनाते हैं, क्योंकि दो टेबल्स तो बनानी ही पड़ेंगे रिलेशनशिप के लिए, मिनिमम दो टेबल चाहिए। तो यहाँ पर अगला जो टेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल है, स्टूडेंट इन्फो कर देते हैं, स्टूडेंट इन्फो। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, वहां पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बनाया था, लेकिन यहाँ पर आपको और रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ही फील्ड्स में अगर प्राइमरी की रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो था जैसे लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही आप लिख देंगे, अंडरस्कोर करके रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा, और इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रखा था तो इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर आएंगे, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ, दो तीन सब्जेक्ट का नाम ले लेता हूँ, और क्वेरी लगाने के बजाय यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि यहीं पर आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप, तो कैलकुलेटेड के माध्यम से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे कर दिया मैथ्स, तो मैथ्स में भी हमें नंबर ही रखना है, ये तो मैं पहले ही भी बता चुका हूँ, नंबर क्यों रखना है क्योंकि कैलकुलेट करना है, इस वजह से नंबर रखना है। यहाँ पे साइंस कर देता हूँ, जो भी आपका है ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे टोटल कर देते हैं टोटल, ठीक है, तो ये टोटल भी हो जाएगा। और टोटल में क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेटेड डेटा टाइप चूज करेंगे, ये देखिए ये कैलकुलेटेड मिल जाता है, ये आपको अपग्रेडेड में मिलेगा, ये आपको 2016 में मिल जाएगा, 2019 में मिल जाएगा, 2021 में मिल जाएगा, लेकिन इसके पहले के वर्जन में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले का वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से क्वेरी बनानी पड़ेगी। फिलहाल हम लोग तो 2021 यूज कर रहे हैं, तो यहीं पे हम क्वेरी लगाने के बजाय यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, कंप्यूटर यहाँ पे लिखेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट ये ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे दूसरा है मैथ्स, MATHS मैथ्स हो गया, फिर तीसरा क्या है, फिर तीसरा यहाँ पे है साइंस, SCIENCE साइंस हो गया, इस तरीके से तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव कर रहे हैं, तो ये सेव हो गया। तो अभी इसमें तो हमने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तो एंटर करा नहीं है, तो यहाँ पे अभी हमको सारे मार्क्स वगैरह सब कुछ एंटर करने होंगे, तो यहाँ पे मैं मार्क्स एंटर कर देता हूँ। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन नंबर फेच करा सकते हैं उसी टेबल से, ठीक है, जैसे यहाँ पर जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जब बारी आएगी तो आप चाहे तो यहाँ से जाके फेच करा सकते हैं। ये लुकअप विजार्ड पे गए और लुकअप विजार्ड पे जाके पहले ही ऑप्शन को सेलेक्ट रखना है और स्टूडेंट टी पे जाना है और स्टूडेंट टी से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर फेच कराना है, तो यहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत आसान है ये, ठीक है, और ये हो जाएगा, और यहाँ से क्या करना है, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी आप जब रिलेशनशिप पे आएंगे, इसको सेव करेंगे, और जब यहाँ पे डेटाबेस टूल्स पे आएंगे और यहाँ पे जब देखेंगे तो ये रिलेशनशिप बिल्ट हो चुकी है, लेकिन हमें क्या करना है, मैनुअली रिलेशनशिप इसमें क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से जाके डिलीट करना होगा, तभी हम रिलेशनशिप क्रिएट करा पाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी देखिए इसमें कॉमन फील्ड कौन सी है, रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर, देख लीजिए जरा, तो मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला जो है, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको उठाइए और इसके सामने लाके रख दीजिए और यहाँ से इस पर टिक कर दीजिए, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप बिल्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्या करना है आपको, ये एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो टेबल है इसको पहले आप क्लोज भी कर लेंगे तभी रिलेशनशिप क्रिएट करा पाएंगे, तो ये क्लोज जरूर कर लीजिएगा और ये इस तरीके से करके, और देन अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये रिलेशनशिप जोड़ होगा। अब फायदा क्या है इसका वो देखते हैं, जैसे यहाँ पे आए, अभी हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाला नहीं है और डालना ही क्या है, यहाँ से ये फेच हो जाएगा तो ये अब कंप्यूटर का मार्क्स आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 80 90 जो भी मार्क्स आते जा रहे हैं वो यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ से फेच होगा, ठीक है, तो ये 12 हो गया, यहाँ पे 70 89 66 जो भी मार्क्स है वो यहाँ पे आते चले जाएंगे, और बाकी तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप देख ही रहे हैं फेच हो जा रहा है अपने आप, ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको करना है, आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब ये हो गया, यहां से जाइए और यहाँ पे जो भी मार्क्स आए हो तो ये आ गया, इस तरीके से आपको करना है। अब इन दोनों में रिलेशनशिप भी बिल्ड हो चुकी है, अब हमको इसके लिए कॉम्बो डिजाइन करना है, कॉम्बो, तो कॉम्बो कैसे बनेगा, तो उसके पहले हमें एक फॉर्म बनाना होगा, तब तो कॉम्बो बनाएंगे हम, तो फॉर्म के लिए कहाँ जाएंगे, तो ये फॉर्म विजार्ड पे चलते हैं, विजार्ड सबसे आसान है, सबसे अच्छा है। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट टी वाली टेबल लेंगे, स्टूडेंट टी, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट का नाम लेंगे और क्लास ले लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर जब आएंगे तो स्टूडेंट इन्फो वाली टेबल लेंगे, तो रोल नंबर लेंगे, कंप्यूटर का मार्क्स लेंगे, मैथ्स का, साइंस का और टोटल लेंगे, ये सारी चीजें लेकर के यहाँ पर आएंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में, डेटा शीट फॉर्म में, किस फॉर्म में चाहिए तो हम टेबुलर कर देते हैं, तो ये टेबुलर करके आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ से फिनिश कर देंगे इसको, तब देखेंगे कि ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा इसको और आप डिजाइन व्यू पे लेके यहाँ से जाएंगे ना, तो ये थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेंगे तो सारी चीजें एकदम प्रॉपर वे में दिखाई पड़ेंगी आपको, ठीक है। इस तरीके से कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ चीजें छिप रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा, आप सारी चीजों को प्रॉपर वे में देख सकते हो। तो यहाँ से देखिए, ये छोटा बड़ा जब आप करेंगे ना, तो ये सारी चीजें प्रॉपर वे में नजर आएंगी, एकदम सारी चीजें दिखने लगेंगी, ठीक है।
तो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर वे में आप कर लीजिए। और यहाँ पर ये छोटा बड़ा जो भी करना है इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कितना छोटा कितना बड़ा रखना है, ये यहाँ से छोटा बड़ा ड्रैग करके कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और ये तो हो ही गया। अब यहाँ से क्लिक करना है व्यू पे, तो आप देखेंगे कि सब कुछ यहाँ पे नज़र आता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अभी हमने कॉम्बो नहीं बनाया, कॉम्बो डिज़ाइन नहीं किया, तो कॉम्बो डिज़ाइन कैसे करेंगे इसमें? कॉम्बो डिजाइन करना बहुत आसान है। ये स्टूडेंट टी जो दिख रहा है ना, इसको हटा देते हैं और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको कॉम्बो, क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ड्रैग करवा दीजिएगा इसको। ड्रैग करवा दिया, और ड्रैग करवाने के बाद जैसे ही आएंगे तो ये तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो तीन ऑप्शन में से तीसरे ऑप्शन पे आप टिक टिक करेंगे, ठीक है, और ओके करेंगे। हम किसके बेस पे सर्च करेंगे? हम रजिस्ट्रेशन नंबर के ही बेस पे सर्च करेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे सर्च करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जब ये आ जाए तो इसको छोटा बड़ा करके फिर इसको भी एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और सबको एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है? व्यू पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि आपका कॉम्बो बॉक्स भी तैयार हो गया है। तो यहाँ से जो चूज करेंगे ना, उसी के हिसाब से चीजें आएंगी। देखिए यहाँ पे 112 चूज किया, तो यहाँ पे 112 रजिस्ट्रेशन नंबर जिनका नाम उपेंद्र सिंह है, जो क्लास 10th के हैं, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और सिर्फ एक ही डिटेल डिस्प्ले होगी, दोनों डिटेल डिस्प्ले नहीं होगी। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और इसी के आधार पर रिपोर्ट भी आप बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट डिजाइन करना तो बहुत आसान है, यहाँ से क्रिएट पे जाइएगा, फिर यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड पे चले जाइएगा, या रिपोर्ट डिजाइन पे चले जाइएगा, उसके हिसाब से आप रिपोर्ट डिजाइन कर लीजिएगा। सब कुछ ईजी है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कोई अगर सवाल हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।